मुख्यमंत्री जो भाषण किया, देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण किया है ये शिवाजी पार्क का भाषण था, ये कोई विधानमंडल का भाषण नहीं था। जो मुद्दे उपस्थित किए गए उस पर एक भी बात उन्होंने नहीं कही। भ्रष्टाचार के जो मुद्दे सामने आए, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का वो जवाब नहीं दे पाए। इस पूरे अधिवेशन में कुल मिलाकर सरकार ने किसी को भी राहत नहीं दी, न किसानों को दी, न मजदूरों को दी, न गरीबों को दी, न महिलाओं को दी, न युवाओं को दी, किसी को भी राहत नहीं मिली और ये अधिवेशन बिल्कुल कोरा रहा। लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार को हमने पुरजोर उजागर किया, उसका जवाब सरकार नहीं दे पाए। और किस प्रकार से सरकार का तंत्र, सरकार के वकील, सरकार के मिनिस्टर विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इसकी वीडियो एविडेंस हमने सरकार को दिया, उस पर भी सरकार कोई काम नहीं कर रही। देखिए आज शिवसेना का चेहरा सबके सामने उसका नकाब फट गया, क्योंकि हमको अभी तक लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनके मन में अभी भी वो आग जिंदा है जो दाऊद के खिलाफ, दाऊद के गुर्गों के खिलाफ, मुंबई के अपराधियों के खिलाफ सालों से हमारे मन में जल रही है। लेकिन आज ये बात पक्की हो गई कि सत्ता के लालच ने उस आग को बुझा दिया है और अब सत्ता के साथ समझौता करके मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने दाऊद से सौदा करने वाले, उसके लोगों से सौदा करने वाले अपने मंत्री को भी बचाने का फैसला कर लिया है।